Viewers, we have another breaking news coming in, a big breaking news. Murder accused Darshan's bail hearing is set to take place today. The fate of Renu Kaswa's killer is to be decided. Bail hearing of Darshan, Pavitra Gowda and at the court in will be done at the court in Karnataka High Court. For more on this story, we're also being joined by Nagendra, our reporter from Karnataka. What is happening in the case? What are the latest developments? Please take it away. जिसको देखिए, अभी रेणुका स्वामी मर्डर केस में 6 लोगों का आज बेल एयरिंग हाईकोर्ट में होता है, लेकिन सब लोग बोल रहे हैं ये रेगुलर बेल का मामले में आज दर्शन फॉर लॉयर्स एंड अदर्स लॉयर्स देयर आज उन लोगों ने हेयरिंग कर रहे हैं, लेकिन देखिए अभी इंटरम बेल में दर्शन अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं BGS हॉस्पिटल में। आज का दिन 28 डेज हो गया उसका पहला। देखिए हाईकोर्ट ने एक इंस्ट्रक्शन दिया था, बल्लारी जेल से रिलीज होने के बाद एक हफ्ता में उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट को कोर्ट को सबमिट करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया था, लेकिन वो तीन हफ्ते के बाद उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट को सबमिट किया था, वो भी रेगुलर बेल का वजह से। सो अभी वो मेडिकल रिपोर्ट में उसका ऑपरेशन का मामले में डॉक्टर लोग ने अभी तक नहीं बताया, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर है उसका हिसाब से हम लोग ऑपरेशन नहीं कर रहे बोल के और वक्त चाहिए बोल के वो मेडिकल रिपोर्ट में रिपोर्ट लिखा था। और रिपोर्ट का हिसाब से SPP मतलब स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रसन्ना कुमार पिछले हियरिंग में यही साबित करने को गया था, इन लोगों को ऑपरेशन नहीं चाहिए, ऑपरेशन का ये पूरा नाटक बोल के पूरा हियरिंग हुआ था। लेकिन परसों होम मिनिस्टर डॉक्टर जी परमेश्वर वो भी यही बोला था, अभी वो सुप्रीम कोर्ट को हम लोग ने हायर कोर्ट को हम लोग जाके वो अपील करने के लिए हम लोग तैयार करके होम मिनिस्टर भी बोला था ये लोग नाटक कर रहे हैं, उसको ऑपरेशन नहीं चाहिए, वो वापस तुरंत बल्लारी जेल को जाएगा बोल के डॉक्टर जी परमेश्वर भी मीडिया को रिएक्शन दिया था। उसके बाद आज रेगुलर बेल का में हियरिंग होता है, लेकिन आज उन लोगों को बेल मिलता है क्या नहीं अभी वेट करके देखता है। जेसु, हाउ लाइकली? Right. Thank you so much for your inputs. Also, how likely is it that the murder accused Darshan will get a bail today? Can you comment on that? You hear me? I wanted to know how likely is it that the murder accused Darshan will possibly get a bail today. Do you have anything around that? देखिए अभी SPP ने उनका आर्ग्यूमेंट करने के लिए पूरा तैयार करके रखा है। पिछले बार CV नागेश दर्शन का वकील ने आर्ग्यूमेंट किया था, ये पूरा फेक है, फेक एविडेंस को रखा है, उसके ऊपर कुछ भी एविडेंस नहीं, वो पूरा क्रिएटेड बोल के उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया था। लेकिन आज हाईकोर्ट में फिर CV नागेश आर्ग्यूमेंट करेगा रेगुलर बेल क्यों देना है, क्यों मतलब उसका सामने बहुत सारा सिनेमा फिल्म है, कम से कम क्रोस टुगेदर इन्वेस्ट भी किया है बहुत सारा प्रोड्यूसर लोगों ने उसका फिल्म के बारे में, थोड़ा 500 को भी एक्स्ट्रा मतलब कलाविद लोगों ने अभी उसका फिल्म के लिए वेट कर रहे हैं, वो उसके लिए दर्शन को रेगुलर बेल देना है बोल के आर्ग्यूमेंट करने के लिए CV नागेश थोड़ा प्रिपरेशन किया है। लेकिन रिपब्लिक कनाडा एक 4 डेज का
पहले एक फोटो मतलब दर्शन का एक प्रूफ के लिए एक फोटो रिपब्लिक कर्ण को मिला था, हमने वो उसका ब्रेक भी किया था। देखिए वो 8 फोटो मतलब 8 फोटोस अभी रिट्रीव किया है पुलिस लोगों ने, वो 8 फोटो को भी चार्जशीट में लगाने के लिए वो लोग सोच रहे हैं। ये फोटो उसको मतलब साबित करने के लिए, ये मर्डर में दर्शन का इन्वॉल्वमेंट है बोल के साबित करने के लिए चार्जशीट में पूरा उसका फोटो का, उसके फोटो के साथ साथ थोड़ा डिटेल्स भी लगाने के लिए पुलिस लोग ने रेडी करके रखा है। उसके हिसाब से आज एसपीपी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रसन्न कुमार आर्ग्यूमेंट करने वाला है, दर्शन मर्डर करने का समय में वही जगह में था, उसके लिए हमारे पास ये फोटो मिला है बोल के अभी वो आर्ग्यूमेंट करने वाला है। और एक बात, और एक मेन हाई विटनेस कभी जज के सामने वो उसका स्टेटमेंट भी दिया, मतलब रेणुका स्वामी का मर्डर हुआ ना तभी दिन एक आदमी ने वो खुद देखा था, वो हाई विटनेस बनके उसको लेके जाके जज के सामने उसका स्टेटमेंट भी दे चुका है, मतलब 164 स्टेटमेंट भी हुआ है। इसका पूरा देखने के बाद रेगुलर बेल हाईकोर्ट में मिलने का बहुत मुश्किल लग रहा है जसू।